हेलो दोस्तों आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर टू का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम डोमेस्टिक टेरिटरी यानी घरेलू सीमा क्या होती है उसके बारे में जानेंगे जिसे आर्थिक सीमा भी कहते हैं दूसरा नॉर्मल रेसिडेंट यानी सामान्य निवासी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे घरेलू सीमा और सामान्य निवासी का कॉन्सेप्ट जो है ये नेशनल इनकम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और कॉन्सेप्ट को समझें ताकि आगे जो नेशनल इनकम का चैप्टर आने वाला है उसे आप अच्छे से समझ सकें और जो नोमेरिकल पेपर में आते हैं उन्हें अच्छे से कर पाएँ चलिए शुरू करते हैं मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं एसएस स्मार्ट स्टडी घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हम एक आम आदमी की भाषा में कहें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हम यही बता सकते हैं कि जो इंडिया है उसके जो बॉर्डर्स हैं उसको घरेलू सीमा कह सकते हैं लेकिन घरेलू सीमा को समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो घरेलू सीमा का अर्थ होता है वो कई हद तक बड़ा होता है जैसे एयर इंडिया द्वारा रूस और भारत के बीच चलाए जाने वाले हवाई जहाज़ एयर इंडिया कहाँ की है इंडिया की है ठीक है एयर इंडिया कहाँ की है इंडिया की है तो एयर इंडिया द्वारा रूस और भारत के बीच चलाए जाने वाले हवाई जहाज़ हवाई जहाज़ किसका चल रहा है एयर इंडिया का यानी भारत का चल रहा है कहाँ किसके बीच रूस और इंडिया के बीच तो ये रूस और इंडिया के बीच जो जहाज़ चल रहा है ये किसकी घरेलू सीमा का हिस्सा है इंडिया की ठीक है नेक्स्ट है मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल प्राकृतिक गैस निकालने वाले यान प्लेटफार्म जो कि देश के निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चलाए जाते हैं अब जो भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में किया जा रहा है एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा तो वो उस देश के घरेलू सीमा का हिस्सा हो जाएगा मान लो इंडिया के मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हैं तो वो किसकी घरेलू सीमा का हिस्सा होगा इंडिया की अब देखो घरेलू सीमा क्या होती है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी जो यू एन ओ है उसके अनुसार क्या अर्थ है घरेलू सीमा का घरेलू सीमा का अर्थ उस भौगोलिक सीमा से होता है जो एक सरकार द्वारा शासित होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति वस्तुएं और पूंजी पूर्ण स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन कर सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ एक ऐसी भौगोलिक सीमा जो सरकार द्वारा शासित होती है जो सरकार निर्धारण करती है जिसमें व्यक्ति जो है आदमी जो है वस्तुएं ले जा सकता है गुड्स ले जा सकता है और आराम से पैसे का प्रवाह कर सकता है उसको घरेलू सीमा कहते हैं अब देखते हैं और क्या क्या शामिल होता है घरेलू सीमा में देखो विदेशों में स्थित देश के दूतावास वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान जैसे इंडिया की एम्बेसी दूतावास का मतलब होता है एम्बेसी अब इंडिया के एम्बेसी मान लो लंदन में है ठीक है इंग्लैंड में है इंडिया की एम्बेसी कहाँ है लंदन में तो जो इंडिया की एम्बेसी लंदन में है वो किसकी घरेलू सीमा का हिस्सा है वो इंडिया की घरेलू सीमा का हिस्सा है ठीक है सेम वाणिज्य दूतावास सैनिक प्रतिष्ठान यानी सैनिकों के लिए जो बनाया हुआ है वो भी किसकी घरेलू सीमा का हिस्सा है इंडिया की ठीक है अब क्या है जो घरेलू सीमा में शामिल नहीं किया जाता देखो विदेश के दूतावास मान लो पाकिस्तान का दूतावास कहाँ है इंडिया में इंडिया में ठीक है तो पाकिस्तान का दूतावास कहाँ है इंडिया में इंडिया की ज़मीन पर है लेकिन वो किसकी घरेलू सीमा का हिस्सा है पाकिस्तान की तो अगर विदेश का कोई भी दूतावास हमारे इंडिया में है तो वो भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं होगा ठीक है सेम वाणिज्य दूतावास और सैनिक प्रतिष्ठान अगर किसी देश के हमारे देश में है तो वो उस देश के माने जाएंगे जिस देश से वो संबंध रखते हैं यानी अगर वाणिज्य दूतावास अमेरिका का है तो अमेरिका की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा सैनिक प्रतिष्ठान अमेरिका का है तो अमेरिका का होगा वो अमेरिका की घरेलू सीमा का हिस्सा होगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉर्मल रेसिडेंट यानी सामान्य निवासी सामान्य निवासी क्या होता है एक व्यक्ति या संस्था है जो सामान्यता उस देश में निवास करता है और जिसका आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित होता है एक निवासी से क्या मतलब है ये एक संस्था भी हो सकती है और एक व्यक्ति भी होती है जो उस देश में रहता है जैसे मैं हूँ मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया का सामान्य निवासी हूँ और आगे क्या लिखा है जिसका आर्थिक हित उसी देश में केंद्रित रहता है आर्थिक हित का मतलब क्या है निवासी अपनी मूलभूत आर्थिक गतिविधियाँ जैसे आय कमाना खर्चा करना और पैसे को जमा करना वो सब कहाँ करता है उसी देश में करता है जिसमें रहता है मेरे एग्जांपल में जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं यहीं पे कमाता हूँ यहीं पे खाता हूँ यहीं पे खर्च करता हूँ तो मैं किस देश का सामान्य निवासी हूँ इंडिया का लेकिन इसकी एक शर्त रहती है कि ये जो निवासी है एक देश में एक वर्ष या उससे ज़्यादा रहता हो ठीक है कोई भी व्यक्ति एक वर्ष से एक वर्ष से ज़्यादा किसी देश में रह लेता है तो वो किस देश का निवासी माना जाता है जिस देश में रह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा यू गया ठीक है अब यू जाकर उसको कितना साल हो गया एक साल अब एक साल होने से पहले तक तो वो कहाँ का निवासी था अगर वो इंडिया से गया है तो कहाँ का निवासी था इंडिया का लेकिन एक साल बाद वो कहाँ का निवासी हो गया अब यूएसए का ठीक है अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सामान्य निवासी में कौन कौन शामिल होता है अब हम देखते हैं सामान्य निवासी में किसे शामिल नहीं किया जाता ठीक है चलिए पहला है विदेशी पर्यटक और यात्री अब जो विदेश से किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं इसे हम समझते हैं कि विदेश से कोई पर्यटक आया पर्यटक का मतलब होता है जो घूमने वाले जो लोग होते हैं ना वो अब अमेरिका से कोई इंडिया घूमने आया ठीक है तो इंडिया जो घूमने आए हैं वो यात्री या कोई यात्री आया है वो कहाँ का सामान्य निवासी होगा वो अमेरिका का ही होगा क्यों होगा उसका रीज़न यह है कि वो व्यक्ति केवल कुछ दिनों के लिए आया आया है यदि वो एक साल यहाँ इंडिया में रह जाता है और अपनी आर्थिक गतिविधियों केंद्र किसे मानता है इंडिया को तो, तो तब वो भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा अदरवाइज नहीं नेक्स्ट दूतावास के विदेशी कर्मचारी अधिकारी राजनयिक और विदेश के सैन्य बल के लोग जो दिए गए देश में स्थित हों ये जितने भी दूतावास के विदेशी कर्मचारी अधिकारी ये सब किस में शामिल होते हैं जिस देश से वो संबंध रखते हैं ठीक है इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इत्यादि तो ये किससे संबंध होती हैं इनको भी सामान्य निवासी नहीं माना जा सकता इंडिया का क्यों क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कर्मचारी उस देश के सामान्य निवासी माने जाते हैं जिससे वे संबंध रखते हैं ठीक है मान लो यू का कार्यालय यू का कार्यालय कहाँ है भारत में ठीक है अब यू का जो कार्यालय भारत में है उसमें एक अमेरिकी व्यक्ति काम करता है ठीक है अगर वो अमेरिकी व्यक्ति एक साल से कम टाइम तक काम करता है तो वो कहाँ का सामान्य निवासी होगा अमेरिका का ठीक है लेकिन अगर वो इंडिया के अंदर जो कार्यालय है यू का अगर वो वहाँ एक साल से ज़्यादा काम कर लेता है तो कहाँ का निवासी हो जाएगा भारत का ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें अपने दोस्तों को शेयर करें और कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल एस एस स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें